साथियों, शॉर्ट ट्रिक से और शॉर्टकट से हमारा काम आसान तो हो ही जाता है, साथ में हमारा समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसी तरह की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हमने आपको बताए थे एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, काफ़ी लाइक किया है। इसी प्रकार इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताने वाले हैं जो शायद ही आपने कहीं देखी होंगी और शायद ही आप इससे पहले जानते होंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारा काम ऐसा होता है जहाँ पे हमको सैम्बल्स की जरूरत पड़ती है ना, और उसके लिए हमको सैम्बल इंसर्ट करने पड़ते हैं। सैम्बल में जाएँ या फिर हम शॉर्ट की से सैम्बल ऑप्शन ओपन करें और फिर उस सैम्बल को इंसर्ट करें, बार 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 हमको ऐसा करना पड़ता है। क्यों ना हम शॉर्ट की क्रिएट कर ले, जैसे कि हमने डिग्री का साइन लगाना है तो हम एक ही झटके में डिग्री का साइन लगाएं, या फिर हमने कुछ इस प्रकार लिखना है गो टू एंड स्टार्ट, हमने एरो की इस प्रकार से डालना है, या फिर हमने 1/2 टाइप करना है, 1/4 टाइप करना है, और इस तरह के मैनी मोर सैम्बल्स जिनकी हमको जरूरत पड़ती रहती है। तो क्यों ना हम उनकी शॉर्ट की क्रिएट कर लें। जी हाँ, हम एमएस वर्ड में अपनी एक शॉर्ट की बना सकते हैं किसी भी सैम्बल को इंसर्ट कराने के लिए। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखना है 35 डिग्री, तो डिग्री का साइन लगाने के लिए हमको सैम्बल्स में जाना पड़ेगा और सैम्बल को हमने इंसर्ट कराना पड़ेगा। क्यों ना हम एक शॉर्ट की प्रेस करें। मैं करता हूँ यहाँ पे ऑल्ट के साथ 9 नंबर, तो देखिए लग गया सैम्बल। हम जितना मर्जी ऑल्ट 9 प्रेस करते जाएंगे तो देखिए डिग्री का साइन लगता चला जा रहा है ना, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा था ऊपर की, यहाँ पे गो टू और हमने स्टार्ट का साइन लगाया था, तो स्टार्ट के साइन के लिए इस एरो के लिए मैं की दबाऊंगा ऑल्ट के साथ 0, तो ये एरो की आ जाएगी। तो हम अपने यूजफुल सैम्बल्स, जो हमारे ज़्यादातर सैम्बल्स यूज में आते हैं, उनकी हम शॉर्ट की किस प्रकार क्रिएट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। हम इसको कर देते हैं सभी को डिलीट, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लें। तो सैम्बल्स बनाने के लिए हम जाएंगे सैम्बल्स के अंदर, सैम्बल्स हमारे मिलेंगे इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पर देखो सैम्बल्स नज़र आ रहे हैं ना। इसकी कमांड या इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्ट आई एस, हम प्रेस करेंगे तो देखिए सैम्बल्स की विंडो ओपन हो गई। इस पॉपअप में से हमारे पास बहुत सारे सैम्बल्स होते हैं, देखिए है ना, यहाँ भी बहुत सारे सैम्बल्स हैं। और इसके अलावा हम जितने चाहें किसी और फॉन्ट के अगर सैम्बल बनाना चाहें तो वो सैम्बल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कोई एक सैम्बल, मैं वेडिंग्स 2 के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे मेरे को वेरी इंपॉर्टेंट के लिए ये साइन चाहिए होता है, बार बार लगाना होता है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे शॉर्टकट की के अंदर। शॉर्टकट की में यहाँ पे हम वो की प्रेस कर दें जो हमने शॉर्टकट बनाना है, लेकिन ध्यान रहे ऐसी की प्रेस करें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट पहले से ना हो, क्योंकि यदि आपने ऐसी की बना दी जो पहले से हम किसी काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए मैं बना देता हूँ ऑल्ट के साथ मैं 8 नंबर दबाऊंगा, तो ये हो गई हमारी की, ऑल्ट प्लस 8 और असाइन कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार मैंने जो डिग्री के लिए बनाई हुई है, तो हम डिग्री वाले में चल के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने डिग्री के साइन के लिए बनाया है। हम नीचे जाएंगे तो हमको डिग्री का साइन यहाँ पे नज़र आ जाएगा, देखिए एक तो ये साइन है डिग्री का ना, ये ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने दूसरा साइन यूज़ किया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सा साइन बनाया है। यहाँ पर देखिए ये वाला सिंबल मैंने लिया है ना, और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है इसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस 9, मैंने ऑल्ट प्लस 9 इसके लिए बनाया। अब अभी जो हमने बनाई है शॉर्ट की उनको हम चला के देखते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमने बनाया था ओल्ट के साथ 8 नंबर, तो देखिए यहाँ से आ रहा है इंपॉर्टेंट का साइन। जितनी बार भी हम ओल्ट के साथ 8 नंबर दबाएंगे तो ये साइन ऑटोमेटिक इंसर्ट होता चला जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये आपने नंबर की कौन सी यूज़ करनी है। आपके कीबोर्ड में जो नंबर सेक्शन है जो राइट साइड में है वो यूज़ नहीं करना है आपने। इसके लिए जो मेन कीबोर्ड के ऊपर जो लाइन होती है 1 से 9 तक, वही नंबर यूज़ करने हैं, वही नंबर यूज हो पाएंगे, क्योंकि जो नमलोक वाले जो नंबर्स हैं अलग से राइट साइड में वो कोडिंग में यूज होते हैं, और यहाँ पे वर्ड में आपको कुछ कोड भी दिए गए हैं, जितने भी सैम्बल्स हैं सभी के कोड डिफाइन किए गए हैं। क्या आपने कभी नोट किया है, यदि मैं यहाँ पर कोड दबाऊँ ओल्ट की को प्रेस रखेंगे 0189 में प्रेस करके छोड़ता हूँ तो आप देखोगे 1/2 आ रहा है, या फिर मैं ओल्ट के साथ 0188 प्रेस करता हूँ तब 1/4 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सैम्बल्स है और इन सैम्बल्स का एक कोड निर्धारित है,
तो हमको अगर वो कोड याद है तो हमको बार बार सैम्पल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर मैं करता हूँ ऑल्ट 0190 देन 3/4। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक सैम्पल के अलग से कोड बने हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ही हमने सैम्पल का डायलॉग बॉक्स ओपन किया था, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैं प्रत्येक की के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, हम शुरू से चलते हैं, शुरुआत में चलते हैं यहाँ पे, और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लेता हूँ। तो इसका करेक्टर कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है करेक्टर कोड 0021, लेकिन इसकी कोई भी शॉर्ट की नहीं दिखा रखी। शॉर्ट की क्यों नहीं दिखा रखी, क्योंकि ये हमारे कीबोर्ड पे मौजूद है। इसी प्रकार कुछ ऐसे करेक्टर देखते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है, जैसे कि ये है हमारा कॉपीराइट का सिंबल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी शॉर्ट की दिखा रखी है। ऑल्ट कंट्रोल सी अगर हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपीराइट सिंबल क्रिएट हो जाएगा। और करेक्टर कोड है ये 0089। ये करेक्टर कोड कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब मैक्सिमम हिंदी टाइपिंग करते हैं, किसी अदर लैंग्वेज में टाइप करते हैं, तो बहुत सारे कीबोर्ड के सिंबल ऐसे होते हैं जो सिंबल का काम नहीं करते, जैसे कि सेमी कॉलन हो गया या कॉलन हो गया या इन्वर्टेड कॉमाज है, सिंगल कोट है, इस तरह के साइन से हमारे करेक्टर आते हैं, ना कि ये सिंबल यूज़ होते हैं। तो उन सिंबल्स को यूज़ करने के लिए हम कोड का यूज़ करते हैं। और मेन मेन कोड कौन कौन से हैं, किस किस सिंबल के लिए क्या कोड है, आप अगर यहाँ से देखने में आपको समय लगता है तो कुछ कोड की लिस्ट बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के वो नोट कर सकते हैं। इनके करेक्टर कोड हैक्स में भी दिए हुए हैं, या फिर हम इनके करेक्टर कोड ASCII डेसिमल्स में देखना चाहते हैं तो ये उसमें भी नज़र आएंगे। इसी प्रकार और देखते हैं हम नीचे चल के किसी और सैम्बल्स के। ये देखिए हमने ये चलाए थे 1/4, 1/2, 3/4 है ना, 3/4 पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है इसकी शॉर्ट की, ऑल्ट 0190 है ना, ये इसका ASCII कोड है। अगर हम इसका देखें हैक्स में यूनिक कोड में, तो यूनिक कोड में इसका 00BE कोड है। इसी प्रकार 1/2 का देखिए शॉर्ट की, 1/4 के देखिए शॉर्ट की। इस प्रकार से आप यहाँ से शॉर्ट की देख सकते हैं, जो आपको जिस सैम्बल की शॉर्ट की चाहिए उसको नोट कर लें और उसको याद रखें, और जिसकी शॉर्ट की बनाना चाहें वो अपनी शॉर्ट की क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो कोड किसी दूसरे करेक्टर के लिए ना हो, कुछ यूनिक कोड क्रिएट करें। ठीक है, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को हम दोस्तों शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।